हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका थॉट क्यूरेटर। आपके लिए लाया हूं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखें, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार 70 वैज्ञानिकों का एक ग्रुप एक बहुत ही बड़े क्रिटिकल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें रात और दिन बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे थे। प्रोजेक्ट और बॉस के बढ़ते डिमांड्स की वजह से वो बहुत परेशान हो चुके थे, लेकिन वो बॉस के लिए इतने लॉयल थे कि उन्होंने कभी भी अपनी जॉब छोड़ने की नहीं सोची थी। एक दिन उनमें से एक साइंटिस्ट बॉस के पास आया और बोला, सर, मैंने अपने बच्चों से प्रॉमिस किया है कि आज मैं उन्हें एग्जीबिशन दिखाने के लिए ले जाऊंगा, इसलिए मुझे आज 5:30 बजे जाने दो। बॉस ने बोला, ठीक है, तुम घर जल्दी जा सकते हो। उसके बाद वो साइंटिस्ट अपने काम में लग गया। रोज की तरह ही वो अपने काम में इस तरह इन्वॉल्व हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। अपना उस दिन का काम खत्म करके जब उसने घड़ी की ओर देखा तो 8:30 बज चुके थे। तब उसे अपने बच्चों से किया हुआ प्रॉमिस याद आया। वो बहुत ही उदास हो गया। दूसरी ओर देखा, उसके बॉस भी वहाँ नहीं थे। वो अपना काम कम्प्लीट करके घर चला गया। घर जाते हुए वो ये सोच रहा था कि जब वो घर पहुंचेगा तो उसकी बीवी और बच्चे उससे नाराज होंगे और उससे बात नहीं करेंगे, और वो ये सोचेंगे कि मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ। उसका घर जितना पास आ रहा था वो उतना ही उदास होता जा रहा था। यही सब सोचते हुए काफी हिम्मत जुटा के वो घर पहुंचा। पर जब वो अपने घर पहुंचा तो सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसकी बीवी सोफे पे बैठ के मजे से टीवी देख रही थी और उसके बच्चे वहाँ नहीं थे। उसे देखकर उसकी बीवी जरा भी गुस्सा नहीं हुई। उसने सरप्राइज होकर अपनी बीवी से पूछा कि बच्चे कहाँ गए, बच्चे नहीं दिख रहे। तो उसकी बीवी ने उसे बताया कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे बॉस आए थे और वो बच्चों को एग्जीबिशन के लिए लेके गए हैं, अब तो वो आने वाले भी होंगे। ये सुनने के बाद वो सोचने लगा, अरे ये कैसे हुआ। एक्चुअली हुआ ये था कि जब उसके बॉस ने उसे जल्दी जाने की परमिशन दी, उसके बाद उन्होंने उसे 5 बजे तक ऑब्जर्व किया। उसका इतना सारा बचा हुआ काम देख करके वो समझ गए कि वो घर जल्दी नहीं जा पाएगा, लेकिन अगर उसने अपने बच्चों से प्रॉमिस किया है तो एग्जीबिशन में लेके जाना बहुत जरूरी है। इसलिए बिना देर किए वो उसके घर जाकर उसके बच्चों को एग्जीबिशन में ले गए। इस तरह ना तो काम हैम्पर हुआ और बच्चों ने एग्जीबिशन भी देख लिया। ये सब बातें जानने के बाद वो साइंटिस्ट बहुत खुश हो गया और उसके दिल में अपने बॉस के लिए रिस्पेक्ट और कई गुना बढ़ गई, और उसने उस प्रोजेक्ट को और भी दिल लगा करके पूरा किया। तो दोस्तों, हमें इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि किसी भी बॉस को ये हमेशा करने की जरूरत नहीं है, पर अगर कभी कभार अपने एम्प्लॉयज के लिए ऐसा कुछ कर दिया जाए तो इससे एम्प्लॉयज और बॉस के बीच लॉयल्टी, ट्रस्ट और गुड रिलेशनशिप बिल्ड होगा और एम्प्लॉयज हमेशा अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहे। और यही एक रीजन था कि काम के इतने प्रेशर के बाद भी किसी साइंटिस्ट ने जॉब नहीं छोड़ी। बाय द वे, आप लोगों को ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि वो बॉस और कोई नहीं, हम सबके चाहते हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम थे। अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए बाय बाय। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।